जय हिंद। मैं जैद खान, INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ते हैं आज की सुपर फास्ट टॉप 9 न्यूज के साथ। मुंबई क्लब के क्रिकेटर करण तिवारी की मृत्यु 27 वर्ष की उम्र में आत्महत्या करने से हुई, जो अपने पेशेवर करियर में मायावी IPL अनुबंध सहित अवसरों की कमी के कारण हुई थी। वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद अब सरकार वन नेशन वन हेल्थ कार्ड ला सकती है। स्वतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान कर सकते हैं। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना के तहत सबका एक हेल्थ कार्ड बनेगा। हापुड़ के गढ़ में 6 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी दलपत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को बहकाने के लिए उसने सुसाइड नोट छोड़ा था। फिलहाल आरोपी गढ़ कोतवाली में मौजूद है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बाहरी इलाके नौग्राम में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया है। इस आतंकी हमले में 2 जवानों की शहादत हुई है, वहीं एक अन्य जवान घायल हुआ है। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के दबोली वेस्ट में रहने वाली 15 वर्षीय खुशबू ने थाने प्रभारी अनुराग मिश्रा पर देर रात थाने में डांस कराने का आरोप लगाया है। हिमाचल में मानसून की बारिश ने कहर बरपा शुरू कर दिया है। शुक्रवार सुबह चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी जिले के पास पहाड़ी दरकने से 2 गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 घायल हैं। अन्वय नायक आत्महत्या मामले में अर्णव गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ी। महाराष्ट्र सरकार ने दिए दोबारा जांच के आदेश। बेंगलुरु पुलिस ने मंगलवार रात को शहर के कुछ हिस्सों में हुई हिंसा के सिलसिले में 60 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 206 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जैन समाज का 8 दिन का पर्यावरण पर्व 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। ये पर्व 22 अगस्त तक चलेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए देखते रहिए INN टुडे। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब टू अवर चैनल INN टुडे and press the bell icon.